गाइस इस वीडियो में हम कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे ओके okay, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया और इस वीडियो में हम कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि ये क्या करेगा ना फूड वाटर मिनरल ये सबको कंडक्ट करेगा प्लांट में ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे जाइलम का ट्रैकियाइड जाइलम वेसल्स जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्कलैरनकाइमा या फूड फाइबर ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये डेफिनेशन अच्छे से दिया हुआ है ना कि कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है तो देखिए पहले हमने सिंपल सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज लोअर क्लासेस में पढ़ा होता है ओके okay? तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है कंडक्टिंग टिश्यू मतलब कि जाइलम फ्लोएम ओके okay? वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब ग्लूकोस वाटर और मिनरल जैसे कि ये तो चैप्टर का नाम ही है ना फूड और मिनरल का ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट चैप्टर ही है ओके okay? तो ये क्या करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाटर और मिनरल्स को प्लांट में ऊपर या नीचे ओके ट्रांसपोर्ट करता है ओके अब देखिए आप सोचेंगे कि मैम ऊपर जा रहा है तो आपने ठीक है बताया था कि रूट से लेके ऊपर पूरा प्लांट के शूट तक जाता है पर नीचे कैसे आ रहा है ओके देखिए ये हम आगे फ्लोएम वगैरह पढ़ेंगे आपको पूरा क्लियर होगा पर आप खुद भी तो सोचिए कि अगर सोचिए कि ऐसे एक, एक वे बात बता रही है अगर एक सोचिए कि प्लांट है उसकी पत्ती ऊपर है ठीक है तो खाना तो प्लांट में अरे लीफ में बनता है ना तो हो सकता है नीचे किधर जरूरत हो तो वो नीचे आएगा ओके okay, इस तरह से अगर हम लोग जैसे आगे के पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा ओके okay? तो अब ये पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन द प्लांट्स दैट इज वाईट इज नोन एज कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू इसीलिए इसे कंडक्टिंग बोलते हैं क्योंकि कंडक्ट करता है और वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं तो ये कंडक्टिंग टिश्यू ही हमारे दो टाइप के होते हैं ओके okay? ये पूछा जा सकता है जाइलम फ्लोएम तो जाइलम के बारे में जैसे हमने कहा हम, हम लोग डिस्कस करेंगे तो जाइलम ओके इट इज इट्स ऑब्वियसली वैस्कुलर टिश्यू है ना तभी उसके अंडर रहे हैं इट्स अ वैस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू मैकेनिकल टिश्यू मतलब आप सोचिए कि हमारा प्लांट है आप कोई भी उसको देख रहे हैं अभी डेड प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं प्लांट को देख रहे हैं तो देखिये वो इरेक्ट अच्छे से तो पॉस्चर में होता है वो ऐसा नहीं कि इसे ड्रूप डाउन कर रहा है नहीं आप देखें ना प्लांट एकदम कितना अच्छे से कोई कोई भी पौधा देखिए आप अपने गार्डन में जाके देखिए ओके तो वो एक होता है ना स्ट्रेंथ देता है ये इट्स अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू मैकेनिकल मतलब जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में वो एक स्ट्रेंथ देता है जाइलम सेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि जाइलम जो इसके सेल्स होते हैं ना वो थिक वॉल्ड होता है ओके और ये लोग क्या होते हैं ना ट्यूबुलर पैसेज मतलब आप जब देखिए हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया आप इवन यहाँ पे भी देख सकते हैं ना एक ट्यूबुलर पैसेज की तरह होता है इनका सेल्स ओके और जाइलम हमारा चार तरह का सेल होता है जो हमने पहले भी बनाया था डायग्राम में और यहां पर भी है ओके तो अब देखिए चार तरह का सेल होता है इसे हम लोग कहते हैं जाइलम एलिमेंट एक होता है ट्रैकियाइड्स तो हमारे क्या होते है? वो सिंगल सेल इलॉन्गेटेड एंगुलर डेड सेल, सेल hmm. सिंगल सेल ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि ट्रैकियाइड्स हमारे सिंगल सेल होते हैं ठीक है और एंगुलर डेड सेल्स वो डेड होते हैं डेड सेल्स होते हैं यहाँ पे बस पेरेंट होता है जो जिंदा होता है लिविंग बाकी सब डेड होते हैं क्यूँ इसका वॉल क्या होता है थिक होता है हमने पहले कहा वॉल थिक होता है क्यों क्योंकि ना यहाँ पे लिग्न का डिपोजिशन होता है ओके और जो ल्यूमेन ल्यूमेन मतलब ये वाले एरिया जगह को बोल रहे हैं ल्यूमेन ओके तो ये जो हमारा ल्यूमेन होता है ना इसमें नॉन लिग्निफाइड ये ब्रॉड होता है पहले बात तो ये ब्रॉड है ये देखिए आपको दिख रहा है ना ब्रॉड है ये भी ब्रॉड होता है वैसे आप जैसे आगे आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये भी ब्रॉड होता है ओके तो ब्रॉड ल्यूमेन विथ नॉन लिग्निफाइड पिट्स ये देखिए पिट्स दिख रहा है पिट क्या गड्ढा देख रहे हैं यहां लिग्निन नहीं होता है ठीक है नॉन लिग्निफाइड पिट्स ओके एट सर्टेन प्लेसेस ट्रैक आर मेनली फाउंड इन लोहा देखिए ट्रैकड्स हमारा जो लोअर वैस्कुलर प्लांट है जैसे टेरिडोफाइट्स ये सब देखिए आप तब पढ़ेंगे ना जैसे अपने बचपन में सिक्सथ में पढ़ा होगा एक बार बाकी इलेवन ट्वेल्थ में बायो ऑप्ट करने पर आप पढ़ेंगे ये टेरिडोफाइट्स पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं उसमें ठीक है तो ये क्या होता है लोअर लोअर वैस्कुलर प्लांट्स यानी टेरिडोफाइट में होगा और जिम्नोस्पर्म्स में होगा पर फ्लॉरिंग प्लांट्स में नहीं होगा एनजीओ पम्प्स में ये नहीं होगा ओके अब हम चलेंगे वेसिल्स या ट्रेकिया पे ओके एक पेड देख लेते हैं ये विजिबल है कि नहीं ओके तो डायग्राम तो देखिए इसी से समझ में आ जा रहा है ना हमने बनाया था डायग्राम पर इससे समझ में आ रहा है अच्छे से ओके तो अब दूसरी बात पे आ रहे हैं कि वेसिल्स या ट्रेकिया क्या होता है तो ट्रेकिया तो आप जानते ही ना वैसे भी आप तो रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे ट्रेकिया के बारे में मतलब ये जैसे होता है ये देखिए ये वाला है हमारा वेसल्स जाइलम वेसिल ओके देखिए लिखा भी है तो दे आर मच इलोंगेटेड ये लंबे होते हैं काफी ठीक है और मल्टी सेल्यूलर देखिये वो यूनि सेलूलर था ट्रैकट ये हमारे मल्टी सेल्यूलर ट्यूब्स होते हैं ओके एंड द सेल वॉल ऑफ इज मॉडरेटली थिक इसका सेल वॉल है मोटा होता है ऑब्वियसली लिग्निफाइड होगा और ल्यूमेन देखिए ल्यूमेन वाला जगह ये भी चौड़ा है देखिए ठीक है इट्स वाइट और वेसिल कहाँ मिलते हैं ये जाइलम ऑफ एनजियोस्पम्स और आर फाउंड इन जाइलम ऑफ वैसे बट एबसेंट इन जाइलम ऑफ टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म ओके यहाँ पे ये लोग वो जो हमारा ट्रैकट्स था वो मिल रहा था ठीक है टेरिडोफाइड और जिम्नोसपम में ये यहाँ पे एबसेंट होते हैं अब हम आएंगे जाइलम और वुड पैरेंकाइमा ठीक है ये हमारे लिविंग पैरेंकाइमेटस सेल होते हैं जब अगर लिखने आएगा तो आप ये जरूर लिखिएगा कि लिविंग पैरेंकाइमेटस सेल है ओके विथ इनमें सेलुलोज का वॉल होता है थिन सेलुलोज वॉल ठीक है फिर हम आएंगे जाइलम आएंगेमा और वुड फाइबर ये डेड होते हैं स्क्रेनकाइमा हमेशा डेड होते हैं पैरेंकाइमा कॉलनकाइमा स्क्रनकाइमा पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा दे आर लॉन्ग नैरो पतले आप देखिए ये ये हमारा इमा हुआ ये हमारा देखिए पतला सा नहीं लग रहा है ओके नैरो पतला सा नैरो है, टेपरिंग एट बोथ मतलब टेपरिंग जब बोलेगा ना टेपरिंग मतलब दोनों एंड में ऐसे बंद होता हुआ बंद होता हुआ तो नहीं सही वर्ड है मतलब पतला होता हुआ ठीक है टेपर करेगा टेपरिंग एट बोथ एंड देखिए दोनों एंड में ये टेपर कर रहा है आप देख सकते हैं डायग्राम ओके okay? तो इसमें क्या होता है दे दे आर आर लॉन्ग बोन डेड सेल वॉल्स लिग्निफाइड लिग्निफाइड वॉल वॉल मतलब डिपोजिशन ऑफ ओके ये बस बताने का तरीका आप सब कुछ तो सिंपल सिंपल नहीं लिखेंगे ना बुक में एकदम ओके okay? ये बस बताने का तरीका है आपको इसको देख के घबराना नहीं है ओके अब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ये हमने बताया ये आपको पेरेंट का में जिंदा होते, है, होते हैं बाकी सब डेड होते हैं ठीक है वैसे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है ये वाले सबसे ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं किनारे बाहर किनारे वाला वॉल है ट्रांसवर्स वॉल वेसिल एलिमेंट का ओके वो क्या होता है पार्शियली और फुली डिजॉल्व हो जाता है ओके ये भी आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे इसमें इतना नहीं जरूरत होता है में पढ़ेंगे आप बाद में ओके इनका जो ट्रांसवर्स वॉल होता है ना वेसिल एलिमेंट्स का वैसल तो वो क्या होता है डिजोल्व होके क्या क्या बनाता है पार्शियली या फुली डिजोल्व होके वो बनाता है वाटर पाइप या चैनल ठीक है अब एक और चीज होता है ना हम लोग इससे एज पता कर सकते हैं ये सब आपको डिटेल में इलेवेंथ पे पढ़ना है अभी इतना ही इतना से काम चल जाएगा द रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ एन ओल्ड ट्री बहुत पुराना एकदम पेड़ है सोचिए तो आप उसमें देखेंगे ना उसका ट्रंक ट्रंक मतलब ये वाला सोचिए हिस्सा होता है जो ठीक है यहाँ हम लोग देख सकते हैं तो वहाँ अगर आप नंबर ऑफ रिंग काउंट करेंगे ना तो आप बता सकते हैं कि उस सोचिए ट्री का उम्र क्या है ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब आपने कभी देखा होगा कि हाँ ऐसा मतलब देखते हैं। और इलेवेंथ में तो आपको पता चल जाएगा उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा दें अच्छा ये रिंग क्या इंडिकेट करता है वो रिंग क्या इंडिकेट करता है ओके लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है ओके okay? तो ये हमारा ट्रैकेट वेसल, पेरन का और वुड फाइबर या स्क्रेल काइमा हो गया ओके okay? और वेसल्स को हम ट्रेकिया भी बोलते हैं जो हमारा ट्रेकिया रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होता है वो, वो सेम नहीं होता ऑब्वियसली पर ट्रेकिया भी बोलते हैं ओके okay? तो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू